बहुत लंबे छुट्टी के बाद आज हम लोग एक स्टॉक मार्केट पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि लॉन्ग बिल्डअप किसको कहते हैं, शॉर्ट बिल्डअप किसको कहते हैं, शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग किसको कहते हैं। वैसे देखा जाए तो ये वर्ड ही अपने आप में गलत है, फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि भीड़ क्या कहता है, उसका इंटरप्रटेशन क्या होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा इंक्वायरी आते रहते हैं कि सर ये बिजनेस चैनल पे चले जाते हैं, ये दो वर्ड तीन चार चार वर्ड जो है ये बोलते रहते हैं, ये समझ नहीं आता है क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात बता दूं कि 90% लोग जो है इस चीज़ों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है। क्योंकि जो लॉन्ग बिल्डअप का मतलब होता है लॉन्ग क्रिएट होना, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग क्रिएट कभी हो ही नहीं सकता है। सबसे पहली बात ये समझ जाइए, क्योंकि अगर कोई इंसान खरीदता है तो कोई ना कोई बेचने वाले होगा। सबसे पहले तो लॉन्ग वर्ड समझते होगे कि क्या कहना चाहता है। लॉन्ग का मतलब होता है बाई पोजिशन क्रिएट होना, यानी कि अगर कोई कहता है लॉन्ग क्रिएट हो रहा है मतलब बाई क्रिएट हो रहा है। आपको मैं बता दूँ, एक वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट कभी बाई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब कोई खरीदता है तो कोई ना कोई बेचने वाला होना चाहिए। अगर कोई सेलर नहीं है तो कोई बाई नहीं कर सकता है। अगर कोई बायर नहीं है तो सेल नहीं कर सकता है। विदाउट बायर सेल नहीं होता है, विदाउट सेलर बाई नहीं होता है। तो आप मुझे बताओ, बाई कैसे हो सकता है, बाई बिल्डअप कैसे हो सकता है, फिर भी लोग वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसी को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कहता है। देखिए, मैं आपके सामने कुछ मनी कंट्रोल का कुछ स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ हूँ। उसमें अगर आप देखोगे तो तीन चार वर्ड है, उसको मैं बस एक बार रीड कर देता हूँ। कहते हैं ओपन इंटरेस्ट हमारा बढ़ रहा है। किसका ओपन इंटरेस्ट? फ्यूचर का। आपको पता होना चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब क्या होता है। नहीं पता है तो मैंने एपिसोड 2 में, यानी कि आप मेरे लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, मार्केट ज्ञान करके प्लेलिस्ट मिलेंगे, उसमें आपका एपिसोड 2 पे चले जाइएगा। वहाँ पर मैंने ओपन इंटरेस्ट पर डिस्कशन किया हुआ है। वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पर डिस्कशन देखोगे तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको बता रखा है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब ये होता है कि अगर किसी पार्टी ने एक कॉन्ट्रैक्ट में बाई किया, किसी एक ने सेल किया, ठीक है जी, एक ने बाई किया और एक ने सेल किया, तो इस तरीके के अगर दो इंसान ने एंट्री लिया, इसने भी एंट्री लिया है, इसने भी एंट्री लिया है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता है। मान लीजिए निफ्टी का 75 कॉन्ट्रैक्ट इसने बाई किया है और 75 कॉन्ट्रैक्ट इसने बेचा है, तो वहाँ पे देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट जो बढ़ता है उसको ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का, एक कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है या 75 क्वांटिटी का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। अगर NSE के पुराने वेबसाइट पे जाओगे तो क्वांटिटी में ओपन इंटरेस्ट दिखाता था, NSE के नई वेबसाइट पे जाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट में ओपन इंटरेस्ट दिखाता है। तो ठीक है, चाहे इसको वन कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ना बोलिए, 75 क्वांटिटी का ओपन इंटरेस्ट बढ़ना बोलिए, दोनों चीज़ एक है। तो आप मुझे बताइए सिंपल, क्या ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है? आपके सामने है, लॉन्ग का मतलब बाई पोजिशन, मैंने यहाँ पर लिख के दिया है। लॉन्ग करने का स्टॉक मार्केट में एक और दूसरा लैंग्वेज होता है बाई करना, शॉर्ट करने का एक दूसरा लैंग्वेज होता है सेल करना, ठीक है जी। तो लॉन्ग बिल्ड होना, लॉन्ग बिल्ड होने का मतलब होता है बिल्डअप, बिल्डअप बढ़ना, यानी कि लॉन्ग क्रिएट होना, या ध्यान से देखिए, क्रिएट होना न्यू बाई पोजिशन को लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं लोग। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब क्या होता है? शॉर्ट का मतलब सेल और बिल्डअप का मतलब हुआ, बढ़ा, क्रिएट हुआ। तो हम क्या कहते हैं, क्रिएट होना सेल पोजिशन। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्रिएट सेल पोजिशन मार्केट में कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो बोलोगे इस वर्ड का फिर गलत इंटरप्रेट, गलत लोग सब ते बोल रहे आ रहे, मुझे नहीं पता लोग गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। मुझे जो समझ आता है वो मैं बता रहा हूँ और वो मैं लॉजिक के साथ बता रहा हूँ। क्योंकि लैंग्वेज क्या होता है, ये देखो, मैं कह रहा हूँ शॉर्ट बिल्डअप हुआ, शॉर्ट बना, तो शॉर्ट बनने का मतलब शॉर्ट क्रिएट हुआ। मैं कहता हूँ शॉर्ट क्रिएट कैसे हुआ, किसी ने बेचा तो कोई बायर तो आया, विदाउट उसके बिना हो नहीं सकता, ठीक है। लोग जैसे समझता है समझने दीजिए, आपको जैसे समझना है समझिए, मैं अपना इंटरप्रिटेशन लास्ट में बनके वीडियो को कंक्लूड कर दूंगा, ठीक है जी। आइए वापस, लॉन्ग अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग का मतलब एग्जिट करना है ना, पुराना आपने बाई किया था वहाँ से एग्जिट करना, उसको कहते लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिख के दिया है कि एग्जिट कीजिए कहाँ से, ओल्ड बाई पोजिशन से। फिर कहते शॉर्ट कवरिंग, वहाँ पे लॉन्ग के साथ लोग अनवाइंडिंग वर्ड यूज़ करते हैं और शॉर्ट के साथ कवरिंग वर्ड यूज़ करते हैं। किसी भी पोजीशन को कवर करना या किसी पोजीशन को अनवाइंड करना, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर लॉन्ग में से एग्जिट कर रहे, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है, या लॉन्ग कवरिंग भी कह सकते हैं, लेकिन पॉपुलरली इसको यूज नहीं करता है। शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट से एग्जिट करना, मतलब पुराना जो आपके पास शॉर्ट था ना, ओल्ड शॉर्ट पोजीशन था, उससे एग्जिट करना, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट कवर करना, ठीक है जी।
इसका मतलब ये चार वर्ड हो गए। इस चारों वर्ड के लिए लोगों ने जो है ना एक सिचुएशन अराइज करके रखा हुआ है, सिचुएशन बना के रखा है और उसी को रट्टा लगाता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ दिखाया, कह रहे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, हमारा क्या हो गया, लॉन्ग बिल्डअप हो गया। फिर कुछ लोग कहते प्राइस घट रहा है, प्राइस घट रहा है मतलब शॉर्ट बन रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस घटना ओपन इंटरेस्ट बढ़ना। ये देखो मैं वेरीफाई कर देता हूँ, थोड़ा तसल्ली हो जाएगा। यानी कि यहाँ कहते हैं कि देखो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ध्यान से देखो इंक्रीज, प्राइस घट रहा है, कहते देखो प्राइस घट रहा है, क्या हुआ जी, कहते देखो शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट पोजिशन बन रहा है, कैसे बन रहा है, आसमान से बन रहा है, बिना बायर का ही बन रहा है, वाह चलो कोई बात नहीं जी। फिर उसके बाद आप अगर आप देखोगे तो एक और कहते हैं कि देखो प्राइस घट रहा है ना, और ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है। प्राइस घटने का मतलब है लोग यहाँ कहते हैं कि जो पहले से किसी ने बाई किया था ना, अब वो एग्जिट कर रहा है। एग्जिट कैसे करेगा, तो वो सेल करके तो प्राइस गिरेगा और ओपन इंटरेस्ट भी क्या होगा, घटेगा। जहाँ जहाँ ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज की बात होता है तो वो कहते हैं एग्जिट कर रहा है, ओके। जबकि ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज कैसे होता है वो भी मैं बता दूँ आपको। चलो एक चीज़ तो मैंने आपको बताया था कि देखो एक बायर ने एंट्री लिया, सेलर ने एंट्री लिया, तो हम क्या कह सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, कहाँ लिखा था यहाँ पे। फिर बोलोगे ओपन इंटरेस्ट नो चेंज कब आता है, वैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ आप देख लीजिएगा, फिर भी एक मिनट के लिए रिवाइज कर देता हूँ। मान लीजिए ये मिस्टर बी जो था ना, इस मिस्टर बी ने सेल कर दिया और एक मिस्टर सी आ गया, ठीक है। उस मिस्टर सी ने क्या कर लिया, यहाँ पे ख़रीद लिया, यानी कि ये मार्केट से एग्जिट कर जाता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट दे के निकल जाता है। इसका मतलब इसने क्या किया होगा, सेल की, एक इंसान एग्जिट करता है, एक इंसान एंट्री लेता है, नो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब क्या होता है मार्केट में, अभी फिलहाल कौन कौन बना होगा, एक एस बना होगा और एक सी बना होगा, ये भी एग्जिट कर जाता है मार्केट से और ये भी एग्जिट कर जाता है, तो इसको कहते हैं ओपन इंटरेस्ट को घटना, ठीक है। तो अब सोचो अगर कभी ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, ये मैंने चारों सिचुएशन को आपको समराइज कर दिया जो मैंने आपको मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे अभी दिखाया था। ये चार सिचुएशन था जिसमें प्राइस का बढ़ना और ओपन इंटरेस्ट को बढ़ना, प्राइस का घटना, ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना, प्राइस घटना, ओपन इंटरेस्ट घटना, और प्राइस बढ़ना, ओपन इंटरेस्ट घटना। यानी कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना, ये आपका फ्यूचर का है, FOI लिखा है मैंने, यानी कि ये चार सिचुएशन होता है जो लोग यहाँ पर बोलते हैं। F का मतलब यहाँ फ्यूचर है, OI का मतलब ओपन इंटरेस्ट है। तो फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ना या फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट घटना, इन सिचुएशन को लोगों ने बना के सिचुएशन अराइज किया और इसमें कहते हैं लॉन्ग बिल्डअप हुआ, शॉर्ट बिल्डअप हुआ, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, शॉर्ट अनवाइंडिंग हुआ। आप इसको समझते रहिए, मेरे मतलब से ये सारा चीज़ जो अभी हम देख रहे हैं ये हमारे काम का नहीं है, ये मुझे नहीं समझ आता ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है जी। इसलिए नहीं समझ आता है क्योंकि मार्केट में कभी लॉन्ग बिल्डअप नहीं होता है, कभी शॉर्ट बिल्डअप नहीं होता है, क्योंकि एक पार्टी से कभी भी ट्रेड नहीं होता है, ठीक है। अब आप बोलो कि मैं गलत हूँ, तो ठीक है जी मैं गलत हूँ, मुझे किसी को कुछ लेना देना नहीं है, आगे बढ़ते, ठीक है। क्योंकि मैंने तो लॉजिक भी तो दिया ना जी, लॉजिक मैंने सिंपल ये दिया ना कि लॉन्ग बिल्डअप कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट में बाई हो ही नहीं सकता है जब तक सेलर एंट्री नहीं लेगा। अब लो ना मैं लॉजिक देता हूँ, आप सोचिए सोचिए सोचिएगा। मैं कहता हूँ एक स्टॉक है, स्टॉक का प्राइस 100 रुपये था, आज बढ़ के चला गया 110 रुपये पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ 110 पे चला गया, तो कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि प्राइस ऊपर जाएंगे, कुछ लोग सोच रहे ये हमारा आज भी का टाइम है। सोचो थोड़ा ध्यान से, अभी आपको समझ आ जाएगा, अभी इस सिचुएशन पे हम लोग पड़े हुए हैं। कुछ लोग सोच रहा होगा ऊपर जाएगा, कुछ लोग सोच रहा होगा नीचे जाएगा। अब यहाँ पे शर्त लगना शुरू होता है। अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मालूम है तो आप समझो क्या होता है, एक इंसान कहता है प्राइस ऊपर जाएगा, एक इंसान कहता है प्राइस नीचे जाएगा। यहाँ पर एक मिस्टर बी आया, ठीक है जी, मिस्टर बी वन आया, वो कहता है प्राइस ऊपर जाएगा, उसने बाई करने का बोली लगा दिया, कोई सेलर आया ही नहीं, क्या बाई हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बताओ। एक इंसान आया सेलर वन क्या कहता है, अरे प्राइस तो अब ऊपर नहीं जाएगा, अब नीचे जाएगा। उसने आके भी सेल करने के लिए सोचा, दोनों का प्राइस मैच हो गया, बायर और सेलर का प्राइस मैच हो गया, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा, आप सोच के बताइएगा। बायर वन कहता है प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर वन कहता है प्राइस नीचे जाएगा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे जाएगा। दो पार्टी जो है वहाँ पर एंट्री लिया है, कुछ पार्टी कह रहा है ऊपर जाएगा, एक पार्टी कहता है नीचे जाएगा, प्राइस ऊपर भी जा सकता है, प्राइस नीचे भी जा सकता है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ गए तो आप बाई कर लो, फालतू की बातें है ना। चलो गुस्से नहीं करते, वापस आते,
अब क्या होता है, बायर वन के, मान लीजिए बायर वन को अगले दिन लगता है रिस्क हो गया, बायर वन कहता है मैं एग्जिट कर जाता हूँ, बायर वन ने एग्जिट कर गया, एक दूसरा पार्टी आ गया, यहाँ पे बायर वन टू आ गया, बायर टू ने एंट्री ले लिया, उसको लगा कि ऊपर जाएगा। आप मुझे बताइए, ये एग्जिट कर गया, दूसरा एंट्री ले लिया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये एग्जिट हुआ, एंट्री हुआ, नो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अगले दिन मान लीजिए बायर को भी लगता है कि मुझे अब लग रहा है कि ऊपर नहीं जाएगा, सेलर को लगता है अरे नीचे भी नहीं जाएगा, छोड़ो हटाओ मुझे नहीं पता क्या होगा, ये भी एग्जिट कर गया, ये भी एग्जिट कर गया। आप मुझे बताइए एग्जिट करने का ये कब से मतलब हो गया कि शॉर्ट से एग्जिट कर गए भाई? आप मुझे बताइए, बायर भी एग्जिट करते हैं, जब सेलर भी एग्जिट करते तब हमारा ओपन इंटरेस्ट घटता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रूल लोगों ने बना के रखा है, वो उस जिसने बनाया है स्टार्टिंग में उन्हीं को पता है कि क्यों बनाया। मेरे नज़र में ये क्या है, सारा चीज़ गलत है। अब चलिए मैं अपना इंटरप्रिटेशन आपको बताता हूँ क्या होता है। देखिए मैं क्या कहता हूँ, हाँ देखो प्राइस बढ़ना वो अलग चीज़ है, प्राइस जो बढ़ने की बात करते हैं हम, वो स्टॉक की प्राइस की बात करते हैं, ठीक है। स्टॉक अलग चीज़ होता है, स्टॉक हमें जीरो सम गेम, नहीं होता है, डेरिवेटिव जीरो सम गेम है। मतलब ये हो गया कि अगर फ्यूचर में कोई कमा रहा है तो दूसरा गंवा रहा है, कॉल पुट में भी यही होता है, एक कमा रहा है एक गंवा रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट यानी कि स्टॉक के अंदर यानी कि शेयर के अंदर एक कमा रहा है तो एक नहीं गंवा रहा है। बोलोगे ये क्या मतलब हो गया? हाँ जी, उसका सिस्टम अलग होता है। आपको मालूम है इक्विटी हम होल्ड करते हैं, मान लीजिए रिलायंस का अगर आज हम लोग शेयर होल्ड करते हैं, तो ध्यान से देखिए रिलायंस का शेयर प्राइस अगर बढ़ गया तो जितने भी इन्वेस्टर है, जितने शेयर होल्डर है, सबका वेल्थ बढ़ रहा है, सारे लोग कमा रहे हैं, कोई नहीं गंवा रहा है, याद रखिएगा। लेकिन अगर डेरिवेटिव मार्केट में जाओगे और अगर रिलायंस का प्राइस बढ़ रहा है तो बायर कमा रहा है और सेलर गंवा रहा है, वो जीरो सम गेम है। लेकिन इक्विटी का सिचुएशन अलग होता है, क्योंकि वो मालिकाना हक है, बिजनेस का मालिकाना हक मैं होल्ड करके बैठा हूँ। तो अगर मेरे को जो बिजनेस का वैल्यू बढ़ रहा है तो मेरा भी वर्थ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सब लोग कमा रहे। और अगर कंपनी का वर्थ, अगर मान लीजिए कंपनी में कोई फ्रॉड का न्यूज आ जाता है तो जितने इक्विटी शेयर का होल्डर होता है सबको लॉस होता है, तो सब लोग गंवा रहे होते। इसका मतलब इक्विटी जो होल्ड करता है, जो शेयर होल्ड करता है, वो जीरो सम गेम नहीं है, लेकिन बायर सेलर जो है जीरो सम गेम है। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखिए, हम कभी भी यहाँ पे प्राइस बढ़ने घटने की जब बात करते हैं, ये वाले प्राइस जो घटने बढ़ने की बात करते हैं, वो कभी भी इक्विटी का प्राइस होता है, उसका इंटरप्रिटेशन अलग होता है, उसको मैं भी मानता हूँ। हाँ जी, तो ये इक्विटी का प्राइस बढ़ रहा है या उसके अंडरलाइंग का प्राइस बढ़ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है जी। और ये अब मुझे बताओ ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मेरा इंटरप्रिटेशन क्या होता है। अभी जो मैंने आपको दिया था ये था भीड़ का इंटरप्रिटेशन, याद रखिएगा। मेरा इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि नहीं, हाई वोलेटिलिटी रहने वाला है, क्योंकि बायर ने भी एंट्री लिया है, सेलर ने भी एंट्री लिया है। बायर कहता है प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर कहता है प्राइस नीचे जाएगा, और दोनों ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकता है, क्योंकि इस ओपन इंटरेस्ट के अंदर ध्यान से देखिए, बायर वन ने अगर एंट्री लिया है और मान लीजिए किसी एक शेयर में एंट्री लिया है तो उसने भी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, और सेलर वन ने भी एंट्री लिया है, वो कहता है नीचे जाएगा, उसने भी 1 लाख एक कॉन्ट्रैक्ट पे एंट्री किया है। इसका सिंपल मतलब क्या होता है, आप मुझे बताइए कि बायर स्ट्रांग पार्टी है, सेलर स्ट्रांग पार्टी। देखो कॉल पुट के ओपन इंटरेस्ट का इंटरप्रिटेशन अलग होता है, जिसको मैंने पहले भी बता चुका हूँ। आप लाइब्रेरी में जाइए, मार्केट ज्ञान के एपिसोड नंबर 2 देखिए, वहाँ पर मैंने सारा डिस्कशन करा हुआ है, ठीक है जी। अब आइए वापस, मैं कह रहा हूँ बायर वन ने 1 लाख रुपये से इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है जी, सेलर वन ने भी 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट किया। अब मुझे बताओ दोनों पार्टी इक्वल है, बायर कहता है ऊपर जाएगा, सेलर कहता है नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा आप बताओ? कहीं भी जा सकता है, हाँ। लेकिन एक चीज होगा, अगर जब मान लीजिए अगले दिन मार्केट में क्या होता है, प्राइस फिर से ऊपर जाने लग जाता है, तो ये सेलर को जो होगा ना, वो रिस्क नजर आएगा, वो एग्जिट करने के लिए वो बाई करने जाएगा, एग्जिट करने के लिए बाई करेगा, लॉस बुक करेगा बाई करेगा। और जो ये दूसरा जो बायर होगा वो बोलते हैं कि अरे मार्केट तो ऊपर जा रहा है और ऊपर जाएगा, क्या क्या और आएगा। इसमें क्या हो जाता है, बायर का भीड़ और बढ़ जाता है, एक तो लॉस बुक करने वाले का भी भीड़ बढ़ता है और एंट्री लेने वाले का भी भीड़ बढ़ता है। दो दो भीड़ बढ़ने की वजह से प्राइस एकदम से ऊपर भागते हैं, तो हम कहते हैं वोलेटिलिटी ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया। किसी रीजन से अगले दिन प्राइस जो है ऊपर नहीं जाता है, ठीक है जी, किसी रीजन से, कोई भी रीजन से प्राइस नीचे चला गया, तो अब कौन गलत हो गया? देखो ये कहता है ये तो मजे ले रहा होगा सेलर वाले, क्योंकि इसको तो प्रॉफिट हुआ, बायर को अब नुकसान हो गया, अब ये फटाफट लॉस बुक करने की कोशिश करेगा, और उस केस में जो
नया एंट्री भी आएगा, क्योंकि मार्केट जब नीचे जा रहा होता है तो सेल करने वाले का रेशियो ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि नीचे जाता ही तब है जब सेल प्रेशर ज़्यादा होता है, सेलर जो होते ज़्यादा एक्टिव होता है, वो सस्ते सस्ते पे बेचने को जब तैयार हो जाता है तब प्राइस नीचे जाता है, सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइस नीचे जाता है। तो देखो जब प्राइस नीचे जाने लगेगा तो जो एंट्री लेने वाले सेलर है वो भी आएगा, और जो पुराना बायर था जिसने बाई करके बैठा था कि ऊपर जाएगा, उस वो भी गलत हो गया तो वो बाई करेगा, लॉस बुक करेगा, ठीक है जी, सॉरी सेल करेगा, गलत बोला मैंने, बाई नहीं, मार्केट नीचे जाने लग गया तो वो बायर जो पहले का था वो भी सेल करेगा। तो एक तो सेल का एंट्री करने वाले भी बढ़ गए, है ना, सेल एंट्री वाले भी आया यहाँ पे, और एक दूसरा कौन आया बताइए, जिसने लॉन्ग क्रिएट किया था पहले, यानी कि जिसने बाई किया था, वो भी अपना लॉस बुक करने के लिए बाई कर रहे हैं, भीड़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब भीड़ दोनों तरफ बढ़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, दो भीड़ जो होगा वो दोनों तरफ बढ़ेगा, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा खाली कर दिया मैंने, हाँ जी, इसका मतलब सिंपल सी बात ये हो जाता है कि ये देखो, इसका मतलब ये हो गया कि मेरा इंटरप्रिटेशन ये कहता है वोलेटिलिटी ज़्यादा रहने वाला है ऊपर या नीचे, इस बातों को ध्यान में रख के आप ट्रेड करना। अगर कभी यहाँ पे भी देखना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है तो हम अगेन कहते हैं वोलेटिलिटी ज़्यादा होने वाला है क्योंकि ज़्यादा लोगों ने एंट्री लिया है। मैं कहता हूँ ओपन इंटरेस्ट घटा है, घटने का मतलब क्या होता है बताइए, ओपन इंटरेस्ट तब घटता है जब पुराने बायर सेल करता है, पुराने सेलर बाई करता है, मतलब दोनों तरफ के पार्टी जो शर्त लगा रखा था दोनों जब एग्जिट करने लग जाए तब वहां पे क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट घटते हैं, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब बायर सेलर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कम पार्टिसिपेट करेगा तो अगले दिन उसके वोलेटिलिटी जो होगा ना वो कम होगा। तो मेरा इंटरप्रिटेशन यह है कि लो वोलेटिलिटी रहने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ों को हमारा इंडिकेट करता है फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब मेरे समझ में क्या आता है ओपन इंटरेस्ट, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है जी। अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते, ये तो हमारा टॉपिक जो है ख़त्म हो गया ओपन इंटरेस्ट। मैं इस ओपन इंटरेस्ट से सिर्फ इतना लेके आता हूँ, अब रहा कि आप क्या कहते हो, एक्शन आपका क्या होना चाहिए, मैं बता दूँ मेरा एक्शन क्या होता है। कभी भी मेरा एक्शन ये होता है, ध्यान से देखिए, प्राइस जो बढ़ता है ना वो इक्विटी का प्राइस मैं देखता हूँ, ठीक है, इक्विटी का प्राइस। और मैंने आपको बता दिया है इक्विटी जो होता है वो वन साइडेड ट्रेड हो सकता है। मैं इसका थोड़ा सा लॉजिक देता हूं, देखिए कभी भी प्राइस ऊपर जाता है तो मेरा भी मानना यही रहता है कि खरीदना चाहिए। तो फिर बोलोगे कोई अगर प्राइस बढ़ रहा है तो वहां भी तो बाई नहीं हो रहा है, फिर तो आप खुद भी कॉन्ट्राडिक्ट करने लगे, आप भी तो बोलने लगे बाई करना है। हाँ, मैं भी कहता हूं बाई करना है, क्योंकि अगर किसी इक्विटी का प्राइस अगर बढ़ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, प्राइस बढ़ने का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ हमें ये डिसाइड करना होता है, क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना, हर ट्रेड के अंदर जितना बायर है उतना सेलर है, बिना सेलर बाई नहीं होता है, बिना बायर सेल नहीं होता है, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही बोला, एक पार्टी नहीं होगा तो दूसरे वाले का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन हाँ, हमें यहाँ ये फाइंड आउट करना होता है स्ट्रांग हैंड कौन है और वीक हैंड कौन है। मतलब क्या हो गया कि जब किसी चीज़ को बोली लगाते हैं, जैसे हमने आपको बता रखा था कॉल पुट के अंदर, जैसे कॉल पुट में सोचिए आप, एक कॉल ऑप्शन के अंदर एक कॉल ऑप्शन है सी, यहाँ कोई इंसान खरीदता है कुछ इंसान बेचता है, ठीक है जी, कुछ इंसान खरीदता है कुछ इंसान बेचता है, ठीक है, एक ने बाई किया एक ने राइट किया, जब दोनों इंसान का मिलन होता है तब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है ना। लेकिन आप एक चीज़ क्या देखते हो, और बायर क्या कहता है प्राइस ऊपर जाएगा, राइटर क्या कहता है प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, ये दोनों का एक्सपेक्टेशन होता है, ये थाउजेंड्स में पैसे लेके आता है, थाउजेंड समथिंग थाउजेंड, है ना, और ये भी एंट्री लेता है ये लैक्स में एंट्री लेता है। अब मुझे बताइए यहां पे जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है इसके अंदर वीक पार्टी एंड स्ट्रांग पार्टी हमें विजिबल है, हमें दिख रहा है कि जो कॉल ऑप्शन का जो बायर है वो वीक पार्टी है, उसके पास कम पैसे है। वो लोग वीक कैसे समझते हो, जिसके जेब में कम पैसे है वो वीक है, उसका सोच थोड़ा सा वैसा ही है, जिसके जेब में ज़्यादा पैसे है वो ज़्यादा, कोई भी इंसान अगर बहुत ज़्यादा पैसे लगाता है तो उसका एनालिसिस भी उसी तरीके का होता है, विदाउट एनालिसिस वो पैसे कभी नहीं लगाता है। ज़्यादा पैसे लगाने का मतलब वो क्या करता है, ज़्यादा इंटरप्रिटेशन करते, ज़्यादा उसने एनालिसिस कर रखा। तो अब देखिए
हम कह सकते हैं 1000 लेके, यहाँ पे हमारा वीक और स्ट्रांग होता है, लेकिन वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्विटी में देखने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, इक्विटी का प्राइस बढ़ता जा रहा है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मेरे को जब डिसीजन लेना होता है, मैं इक्विटी का वॉल्यूम देखता हूँ, इक्विटी का वॉल्यूम देखता हूँ कि कितने लोग खरीद रहा है, बेच रहा है। मुझे मालूम है कि अगर ऊपर के लेवल पर कोई बाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोई सेल भी कर रहा है, क्योंकि बिना सेलर बाई नहीं होगा, बिना बायर सेल नहीं होगा, है ना। तो आप मुझे बताओ, अब इसमें किसको स्ट्रांग बोलते हो, क्योंकि ऊपर के लेवल पे भी ट्रेड हो रहा है। मान लीजिए इस लेवल पे बाई सेल चल रहा है, तो आप मुझे बताओ बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। मैं यहां मानता हूं बायर स्ट्रांग है। बोलोगे क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि देखो ये सोच के बाई कर रहा है। ध्यान से सोचो, मान लीजिए कोई एक प्राइस आज 110 पे चला गया, कल हमारा 100 पे था, है ना। कल 100 रुपीज पे था, प्राइस आज 110 पे चला गया, 110 पे बायर एंट्री ले रहे, 110 पे सेलर सेल कर रहा है ना। आप बोलोगे सेलर भी तो एंट्री ले सकता है। देखो इक्विटी मार्केट में वो सेल करता है जिसके पास शेयर है, याद रखिएगा आप। मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा, हमारा जो एनालिसिस चलता है वो इक्विटी प्राइस के लेके चलता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर किसी ने बाई किया था तो उसको सेल कर रहा है ना। तो आप सोच के बताइए मुझे, क्योंकि देखते भी हो जो सेल पोजिशन जो अगले दिन तक कैरी होता है वो वही होता है जो हमारा होल्ड किया होता है। तो मैं कहता हूँ क्या, देखिए कि इसको तो प्रॉफिट मिला इसीलिए निकला, इसने कोई चीज़ सोचा नहीं। ध्यान से सुनिएगा, सेलर ने ये सोच के नहीं निकला कि अब प्राइस नहीं बढ़ेगा। सेलर ये सोच के नहीं एग्जिट किया है कि प्राइस नहीं बढ़ेगा। सेलर एग्जिट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको प्रॉफिट मिल रहा है, जो मिला ले लिया, अब छोड़ो, अब मुझे मार्केट में ज़्यादा देर नहीं रहना है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये कौन सोचता है, सेलर सोचता है। सेलर का सोच ये, इसने ये नहीं सोच के एग्जिट किया है कि अब प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, वो प्रॉफिट बुक करता है, सेल करके एग्जिट कर जाता है। हाँ, बहुत बार ये भी होता है, बहुत केस में, कि सेलर ये मान भी लेता है कि हाँ प्राइस अब ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है मान लेते हैं हम। लेकिन यहाँ बायर देखिए, आज कोई स्टॉक 10% ऊपर है, आज 10% महंगा मिल रहा है इसको, 10% कॉस्टली मिल रहा है, फिर भी ये बाई कर रहा है ना। आप मुझे बताइए क्यों। दो रीजन हो सकता है, 10% बढ़ने का एक तो रीज़न होता है कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ होगा उसका, तभी इतना बढ़ा, और वो गुड न्यूज़ आने वाले टाइम पे और प्रिवेल करेगा और वो ऊपर और भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आज बायर ने बढ़ के बोली लगाया, ज़्यादा ज़्यादा रेट पे बोली लगा के प्राइस को बढ़ाया है। याद रखिएगा, जब बायर को ज़्यादा जल्दी होते तो किसी भी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, जब सेलर को ज़्यादा जल्दी होते तो किसी भी स्टॉक का प्राइस घटता है। उनको लगता है जल्दी बेचता हूँ, आने वाले टाइम पर तो और नीचे होगा, तो जिसको जितना जल्दी होता है उसी तरफ डायरेक्शन में प्राइस जाता है। तो मैं कहता हूँ अगर प्राइस बढ़ रहा है और बढ़ते हुए, ध्यान से सुनिएगा, 10% महंगा मिल रहा है, तब भी कोई इंसान बाई करने को तैयार है। कहीं ना कहीं इन लोगों का एक्सपेक्टेशन यह है कि प्राइस और ऊपर जाएगा, ठीक है। ये ऐसा बायर जो होगा, एक भी ऐसा बायर नहीं होगा जो ये सोच रहा होगा कि प्राइस नीचे जाएगा इसीलिए हम बाई कर लेते हैं। इसका मतलब हर एक बायर का एक्सपेक्टेशन यह है कि प्राइस ऊपर जाएगा, हर एक बायर का एक्सपेक्टेशन है प्राइस ऊपर जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ, और भीड़ बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए आज का जो वॉल्यूम है ना, बहुत ह्यूज वॉल्यूम है ना, बहुत ह्यूज वैल्यूम है। इसका मतलब क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बाई करके बैठा कि ऊपर जाएगा। तो अब बताओ भीड़ में, आप सोचिएगा किसी भी चीज़ का प्राइस जो होता है भीड़ डिसाइड करता है। हम यहाँ पे बैठे हैं, मान लीजिए 1000 लोग, 1000 लोग जो है ना प्राइस डिसाइड करता है। उस 1000 में से हो सकता है 500 बायर हो, 500 सेलर हो, लेकिन आज ज़्यादातर बायर ही बैठा हुआ है। 700 बायर है, सिर्फ 300 लोग बेचने वाले हैं, सेलर का भाव बढ़ जाता है। अच्छा, इतने बायर है, वो अपना बोली ज़्यादा बढ़ाता है। बायर कहता है मैं तो खरीदूंगा क्योंकि कल प्राइस ऊपर जाएगा। कहीं ना कहीं जब सेलर की कमी होती है और बायर का जब भीड़ बढ़ जाता है, तब प्राइस क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो हम इसीलिए कहते हैं जब प्राइस ऊपर जाता है तो उस टाइम पे जो बायर है स्ट्रांग हैंड है। यहाँ पे हम कहते हैं ये जो पार्टी है ना, इस केस में ये हमारा स्ट्रांग पार्टी है, ठीक है जी, इक्विटी के केस में, ठीक है, इक्विटी के केस में। अब आइए, स्ट्रांग पार्टी है तो हमें स्ट्रांग पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए, हमें भी बाई करना चाहिए। लेकिन एक कंफर्मेशन और ले लीजिए, क्या बड़े बड़े लोग अपसाइड की तरफ बोली लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, उसको कंफर्म करने के लिए, जो मैं अभी ये बता रहा था ना, स्ट्रांग पार्टी को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ स्ट्रांग पार्टी अभी भी फाइंड करना मुश्किल होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बोला तो ये स्ट्रांग है, लेकिन अभी भी ये नहीं कह सकते कि सेलर जो है वो वीक है, ये नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं इक्विटी के अंदर वन साइडेड भी आपका बाई सेल होता है यहाँ पे, मतलब
वन साइडेड प्रॉफिट लॉस हो सकता है, तो उस केस में हम कह रहे हैं कि स्ट्रांग है, लेकिन इस स्ट्रांग पार्टी को और कंफर्म करते हैं। बोलोगे और कंफर्म कैसे करेंगे? इस तरीके से देखो, हमें मालूम है कि बायर कहता है ऊपर जाएगा, राइटर कहता है ऊपर नहीं जाएगा, है ना। इसका भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। आप ध्यान से देखिए, मैंने फिर उसी एपिसोड में बता रखा है कि अगर ओपन इंटरेस्ट इसका बढ़ता है मतलब क्या होता है। देखिए, ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब है इसने 1000 लेके एंट्री लिया, ये कहता है ऊपर जाएगा, ये लाख लेके एंट्री लिया, कहता है ऊपर नहीं जाएगा। आप मुझे बताइए स्ट्रांग पार्टी कौन है इसमें? लैक्स वाले लोग स्ट्रांग पार्टी है। स्ट्रांग पार्टी क्या कहता है? प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, कहता है प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब ध्यान से सोचो, मैंने बोला प्राइस ऊपर जाएगा, ये देखो यहाँ पे स्ट्रांग प्राइस ऊपर जा रहा था, हमें लगा कि बाई करना चाहिए, और बाई तो तब करना चाहिए ना जब प्राइस ऊपर जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, देखो ओपन इंटरेस्ट तो घट रहा है, किसका? कॉल का, सॉरी कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो आपको नहीं खरीदना चाहिए। तो मैंने यही बोला है यहाँ पे, देखो पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़े तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वहां कंफर्मेशन मिल जाएगा। कैसे कंफर्मेशन मिलेगा? देखो पुट ऑप्शन क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। पुट ऑप्शन ये कहता है, पुट ऑप्शन ये कहता है बायर भी एंट्री लेता है। बायर क्या कहता है पता है? कि प्राइस नीचे जाएगा। यहां राइटर भी एंट्री लेता है। राइटर क्या कहता है बताइए? प्राइस नीचे नहीं जाएगा। होल्डर 1000 लेके एंट्री लेता है, ध्यान से सुनिए, होल्डर 1000 के साथ एंट्री लेता है, ये लैक्स में एंट्री लेता है। बड़ा पार्टी ये है, बड़ा पार्टी क्या कह रहा है ध्यान से देखो, कि नीचे नहीं जाएगा, नीचे ये रहा, नीचे नहीं जाएगा। मतलब हम यहाँ पे अगर बाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक कंफर्मेशन मिलना चाहिए, ये कहता है कि नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब नीचे नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। इस और एक और कंफर्मेशन हो जाए कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट अगर घट रहा हो तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम जब कभी भी ट्रेड करते हैं, मैं जब कभी भी ट्रेड करता हूं तो मैं इस चीज़ों को ध्यान में रख के ट्रेड करता हूं, ठीक है जी। तो बोलोगे इतने इफ एंड बट के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। कौन सी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज ट्रेड करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हमें खाना नहीं पचेगा, या हमें घर पर रहने नहीं देगा, या हम जी नहीं पाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। कंडीशन मैच नहीं करेगा, नहीं करेंगे, क्योंकि कन्फर्मेशन मिल जाता है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो बोला आप समझ में आ गया। अब यहाँ से अब आप लिंक कर लीजिए बाकी सबको भी, एक ही चीज़ है, एक बार मैंने समझा दिया तो आपको समझ आ जाएगा। देखो मेरा यहाँ पर इंटरप्रिटेशन ये रहता है कि अगर किसी का प्राइस नीचे जा रहा है, ध्यान से देखो, प्राइस अगर नीचे जा रहा है, सेकंड कंडीशन को मैं डील कर रहा हूं, तो मैं तो सेल के साथ ही पार्टिसिपेट करूंगा, सेल तो मैं भी करूंगा, ठीक है जी। हाँ, लेकिन मुझे एक और भी चीज मालूम है, वोलेटिलिटी ज्यादा रहने वाला है, याद रखना। अभी ये बाई वाले में भी कह रहा था, मैं इस बात को बहुत ध्यान रखूंगा कि मैं अगर बाई कर रहा हूं, जैसे पहले वाले फर्स्ट वाले केस की बात कर रहा हूं, अगर मैं बाई कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैं बाई कर रहा हूं और मुझे मालूम है कि वोलेटिलिटी ज्यादा रहने वाला है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर ऊपर जाएगा तो बहुत तेज ऊपर जाएगा, और अगर नीचे जाएगा तो बहुत तेज नीचे जाएगा। तो मुझे ध्यान क्या रखना होगा, देखो कि मैं अगर बाई कर रहा हूं तो ऐसा ना हो जाए कि उल्टा पड़ जाए, तो इसीलिए मुझे स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हाई वोलेटिलिटी, जैसे मुझे दिमाग में होता है कि हाई वोलेटिलिटी है, तो अगर फेवरेबल हुआ तो भी एग्जिट करो फटाफट, और नीचे गया तो भी एग्जिट करो, क्योंकि वोलेटिलिटी में ज्यादातर केस में इंसान जो होते हैं ना, नुकसान ही करता है, फायदा नहीं कर पाता है। समझ में आ गई बात? तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि ये जो पॉइंट है यहाँ से नीचे जाने वाला है, मतलब नीचे भी जा सकता है, तो हमें फटाफट स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर जाना चाहिए, इग्नोरेंस नहीं करना चाहिए। तो होता क्या है, जब हाई ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रखा होता है किसी स्टॉक में, तो वोलेटिलिटी हाई है, तो फायदा भी बहुत ज़्यादा होता है तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ों को माइंड में रख के हमें ट्रेड करना चाहिए। अब आइए वापस सेल की बात कर रहे थे हम कह रहे कि प्राइस अगर नीचे जा रहा है, ध्यान से सुनिए, तो मुझे तो मालूम है कि प्राइस नीचे जा रहा है, मतलब सेलर जल्दी जल्दी से सस्ते सस्ते बोली लगा रहा है, सेलर यहाँ एक्टिव ज़्यादा है बायर के कंपैरिजन में। यहाँ पे मान लीजिए 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 लोगों के पास सेलर है, कुछ न्यूज़ बुरा आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जो पास जो शेयर था ना उसको बेच के निकलना चाह रहा है, सस्ते रेट पर भी निकलने को तैयार है, क्योंकि आज सस्ता दिख रहा है लोगों को, कल तो और सस्ता हो जाएगा, मुझे और सस्ता बेचना पड़ेगा। उस केस में क्या होता है, सेलर जल्दी आ जाता है। तो हम कहते हैं जब प्राइस नीचे जा रहा है तो स्ट्रांग हैंड जो होता है यहाँ पर सेलर होता है, ठीक है, ये मैं अज्यूम करके चलता हूँ और होता भी है, ये इंटरप्रिटेशन आप भी मान के चल सकते हो। सेलर जो है यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रांग पार्टी होता है। स्ट्रांग कौन है यहाँ पे? सेलर। तो हमें स्ट्रांग पार्टी को ज्वाइन करना है, ठीक है, सेल कर दिया, लेकिन ये स्ट्रांग पार्टी और कंफर्म करना पड़ेगा। बोलोगे कैसे कंफर्म करेंगे? जैसे मैंने अभी यहाँ बताया था कि कॉल के ओपन इंटरेस्ट के अंदर ये होता है स्ट्रांग,
स्ट्रांग जो होता है राइटर होता है, हमें इसको देखना है क्या कह रहा है। ये कह रहा है ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ के पार्टी कहता है ऊपर नहीं जाएगा और मैं कह रहा हूँ नीचे जाएगा। तो ऊपर नहीं जाएगा तो क्या होगा, दो केस होगा। ऊपर नहीं जाएगा तो दो केस हो सकते, या तो स्टेबल रहेगा या तो नीचे जाएगा। स्टेबल रह गया हमें कोई लॉस गेन नहीं होगा, और अगर नीचे चला गया तो हमें फायदा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे और कन्फर्मेशन करेंगे किसके साथ, कॉल पुट के ओपन इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको इंटरप्रेट कर लीजिए। अब इसको ज़्यादा एक ही चीज़ों को बोल के क्या फ़ायदा है, है ना। फिर वही सेम चीज़ है, अगर प्राइस यहाँ पे नीचे जा रहा है, ध्यान से देखो, ये प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो मैं सेल को ज्वाइन करूँगा। देखो मैं सेल ज्वाइन करूँगा, लेकिन मैं स्ट्रांग पार्टी ढूँढूँगा, क्या हमारे जैसे और भी भीड़ है जो स्ट्रांग नीचे की तरफ सोच रहा है। तो उसके लिए ये दो सिचुएशन होता है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट घटना ये भी बताता है प्राइस नीचे जाएगा, और पुट का ओपन इंटरेस्ट घट मतलब कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ना और पुट का ओपन इंटरेस्ट घटना, ये दोनों इस बातों को कन्फर्म करता है कि हाँ ऊपर जो है वो प्राइस नहीं जाएगा, इसका मतलब नीचे जाएगा, ये अज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर अगेन एक चौथा सिचुएशन आता है कि प्राइस अगर बढ़ रहा है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो मैं खरीदूंगा, ठीक है, मैं खरीदूंगा, यानी कि इतना तो हमें समझ आ गया। लेकिन अब कंफर्म करने के लिए हम कॉल पुट का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, ना कि फ्यूचर का। इसका मतलब ये रहा कंक्लूजन में, हम सिंपल सी बातें कंक्लूड करते हैं। आप मेरे को जब ट्रेड करना होता है मैं फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ, लेकिन वो मेरा एंट्री का डिसीजन का क्राइटेरिया नहीं होता है, याद रखिएगा। मैं अगर फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट देख रहा हूँ, जो ये वाले जो हमने अभी सर्कल किया था, ये वाले पॉइंट, ये सिर्फ इसलिए देखता हूँ कि आने वाले दिन पे ये प्राइस ज़्यादा वॉलिटिलिटी रहेगा या कम रहेगा, मैं ये इंटरप्रटेशन लेके चलता हूँ। तो चलो अब रहा सवाल कि आप भी मेरे जैसे इंटरप्रटेशन के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर मेरे इंटरप्रटेशन के साथ जाओगे तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट बॉक्स बनाया, इस तरीके से सोचिए, नहीं तो ऑलरेडी सब लोग जानते ही है कि क्या है नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, मैं आपको एक छोटा सा पुराना डिस्कशन दिखाता हूँ, जब मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसी मनी कंट्रोल से कुछ एक बार पोल किया था। इसमें ये 4 जुलाई, कुछ ज़्यादा पुराना है, क्या फ़र्क पड़ता है, या तो फिर मेरे को डेटा अभी ढूंढना पड़ता है, इतना ढूंढने का टाइम नहीं मिला, मैं पुराना वाले में डिस्कशन कर देता हूँ। ये मैंने कभी 4 जुलाई, ये ऊपर डेट दिख रहा होगा आप लोगों को, 4 जुलाई को मैंने कुछ एक पोल किया था, ये मनी कंट्रोल में मिला था। बोला था कि 45 स्टॉक्स सो दैट इट इज़ शॉर्ट कवरिंग, यानी कि पहले शॉर्ट बना था, अब उसको एग्जिट करना, कवर करने का मतलब शॉर्ट से एग्जिट होना, जिसमें से एक बैंक ऑफ बड़ौदा दिख रहा था। उसका लॉजिक ये था, लॉजिक उसने ये बताया था कि ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रही है और प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है। देख लो आप, डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एलॉन्ग विथ इंक्रीज इन प्राइस मोस्टली इंडिकेट शॉर्ट कवरिंग। अब मैं बताता हूँ, मैंने इसमें जब पोल किया और आप लोगों से पूछा, तो इसमें से 44% लोगों ने जो बताया था, टोटल 250 लोगों ने जो वोटिंग किए थे, उसमें से 44% लोग कहते हैं कि मुझे नहीं पता, और 41% लोग कह रहे थे कि हाँ ये करेक्ट है। मैंने इसको फिर बाद में जाके यहाँ पे कुछ, मैंने ये चार्ट देके मैंने आपको एक एनालिसिस कराया था, जिससे मैंने पूछा था कि ये कैसे हो सकता है शॉर्ट कवरिंग। देखिए ये 4 जुलाई के रैली को वो शॉर्ट कवरिंग बोल रहा है, जबकि ध्यान से देखिए 3 जुलाई को अगर यहाँ पे आप नोटिस करते हो तो 3 जुलाई का ग्रीन कैंडल बना है। इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि 3 जुलाई को ये शॉर्ट नहीं क्रिएट हुआ था। आप खुद ही क्या बोलते हो, ध्यान से देखो, शॉर्ट बनने का मतलब ये है कि प्राइस नीचे गया है। आप मुझे बताओ 3 जुलाई को प्राइस ऊपर गया है, यानी कि इसका मतलब शॉर्ट नहीं बना है, और मनी कंट्रोल वाले 4 जुलाई को कहता है कि हमारा आज का जो ये अप मूवमेंट है, यानी कि ये जो 4th वाले जो अप मूवमेंट आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो अप मूवमेंट की बात हो रही है, ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, ये जो 4 जुलाई वाले जो अप मूवमेंट है, आप ध्यान से देखो, ये कैंडल को मनी कंट्रोल वाले कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि प्राइस बढ़ा था यहाँ पे, क्योंकि प्राइस क्या हुआ जी, इंक्रीज हुआ, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो था ना वो डिक्रीज हुआ था। ओपन इंटरेस्ट से तो कभी भी ये पता ही नहीं चल सकता कि क्या हो रहा है। सिंपल सी बात देखो, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि बायर भी एग्जिट कर रहा है एंड सेलर भी एग्जिट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मनी कंट्रोल वाले क्या बोल रहे हैं कि ये तो शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। आप ध्यान से देखो, शॉर्ट कवरिंग का सिंपल सा मतलब समझाओ, पहले शॉर्ट बना और शॉर्ट में से लोग एग्जिट कर रहे हैं, तो शॉर्ट बनने का मतलब है पहले सेल किया, अब सेल वाले को लॉस होने लग गया तो बाई करके एग्जिट कर रहा है। तो ध्यान से देखिए,
क्या एक दिन पहले शॉर्ट बना था? सिंपल सी बात है, यहां तो शॉर्ट बना ही नहीं था। अब ध्यान से देखो, हम सिंपली ये कह सकते हैं कि यहां तो शॉर्ट बना ही नहीं था। ये क्या हो रहा है इसको, अरे आजा भाई, एक सेकेंड, 97। हाँ जी, ये देखो यहाँ पे तो शॉर्ट बन ही नहीं रहा है। आप सिंपल देखो, क्या शॉर्ट बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि ये कैंडल पहले ही क्या दिख रहा है? ग्रीन। तो आप मुझे बताओ, जब ग्रीन कैंडल के बाद दोबारा ग्रीन कैंडल बनेगा तो शॉर्ट कवरिंग कैसे होगी? मतलब ही नहीं बनता। ये सब बस बकवास है। यानी कि हम सिंपल ये कह सकते हैं, रूल रट्टा लगा रहा है, लॉजिक से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं, ये देखो, अरे ये क्यों नहीं हट रहा है, ये देखिए। अब इसके लिए कह सकते हो, चलो इसमें हम हटा देते हैं, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। ये देखो, अगर मैं 2 जुलाई की बात करूं तो हाँ, 2 जुलाई को रेड कैंडल बना था। हम कह सकते हैं 2 जुलाई को, इससे यानी कि 3 जुलाई से एक जस्ट एक दिन पहले रेड कैंडल बना है, मतलब शॉर्ट बना है। उसके अगले दिन शॉर्ट में से अब एग्जिट करके लोग लॉन्ग कर रहे हैं, यानी कि अब उस दिन ग्रीन कैंडल बहुत बड़ा बना है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं 3 जुलाई को शॉर्ट कवरिंग बोला जा सकता है, क्योंकि 2 जुलाई को शॉर्ट बना था, अब लोग एग्जिट करके उसको कवर कर रहे हैं और ग्रीन कैंडल बड़ा सा बना। तो शॉर्ट कवरिंग रैली हमारा 3 जुलाई को था। 4 जुलाई को आप नहीं कह सकते कि शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि 3 को शॉर्ट बना नहीं था। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गए कि लोगों को लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। ओपन इंटरेस्ट घट गया, प्राइस बढ़ गया, तो बोल दो शॉर्ट कवरिंग है। हो क्या रहा है पता ही नहीं, ठीक है जी। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। लगे कि ये फ़ायदा होता है कुछ आप लोगों को तो दोस्तों तक पहुँचाइए और लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइए, ताकि और भी वीडियो हम फ्यूचर में बनाते रहें। बाय बाय, टेक केयर।